नमस्कार दोस्तों, आज मैं पिट्यूटरी ट्यूमर के बारे में बात करूंगा। पहले के कई कमेंट्स में भाइयों ने पूछा है कि पिट्यूटरी ट्यूमर क्या होता है, और ये एक ज़रूरी भी है क्योंकि ये मिडिल एज में होता है, यंग और मिडिल एज में। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पिट्यूटरी होती क्या है। पिट्यूटरी ब्रेन के एकदम नीचे वाले भाग में, हमारे जो नाक है इसके पीछे, यहाँ पे स्पिनोइड बोन होती है, उसके सेला के अंदर पिट्यूटरी स्थित रहती है, और इसको सेला ट्रेसिका कहते हैं, जो बोन के अंदर नोज बनी हुई है। ये पिट्यूटरी जो है ये ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो जो हार्मोन सिक्रेशन करती है। बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो या तो न्यूरल सिस्टम से होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी को नियंत्रित करते हैं, या फिर हार्मोन बैलेंस करता है कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको कम हार्मोन ही करेगा, कम हो रही है तो उसको ज़्यादा करेगा। तो ये दोनों सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो पिट्यूटरी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये बाकी ग्रंथियों को, जो एंडोक्राइन ग्रंथियाँ हैं उनको भी कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के दो भाग हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इंटरमीडिएट लोब भी होती है, लेकिन वो लगभग विलुप्त के प्राय। एंटीरियर लोब जो हार्मोन सिक्रेट करती है, वो ब्रेन में जो लोअर पार्ट है हाइपोथैलेमस, उससे कंट्रोल होते हैं। वो हार्मोन पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी फिर नीचे बॉडी में कई सारी चीज जो हमारी बॉडी के ग्रोथ से संबंधित है, बॉडी के डेवलपमेंट से संबंधित है, हमारे जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उनको, उनसे संबंधित जो है वो सारे हार्मोन सिक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट है, उसमें दो तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जो एक्चुअल में खुद सिर्फ सिक्रेशन का काम करते हैं। वो हार्मोन बनते हाइपोथैलेमस में ही है, और न्यूरॉन्स के थ्रू वहाँ सिक्रेट होते हैं, वहाँ स्टोर रहते हैं, और जब जरूरत होती है सिक्रेट करते हैं। वो हो गया एक तो ADH वैसोप्रेसिन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये तो चलो हार्मोन की बात हुई। अब पिट्यूटरी ट्यूमर अगर हो जाए तो पेशेंट के क्या होगा, ये मैंने पिट्यूटरी की महत्ता बताई भी, ये क्या क्या चीज है। अच्छा, क्योंकि पिट्यूटरी ट्यूमर होगा तो उससे आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो पहचानने के लिए मैंने जरूर था कि इसका फंक्शन क्या है। पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब के मैंने बता दिया। एंटीरियर लोब में क्या होता है, हमारे थायरॉइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है, वो सीक्रेट होता है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर हमारे एड्रिनल को स्टिमुलेट करने वाला होता है ACTH। जो गोनेट्स के लिए जो सीक्रेट होता है वो LH और FSH है। ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए प्रोलैक्टिन सीक्रेशन होता है, और पूरे बॉडी को ग्रोथ देने के लिए ग्रोथ हार्मोन। अब मैं ये बताऊंगा कि जो ट्यूमर है पिट्यूटरी का वो किस तरह से होता है। पिट्यूटरी की जो लोकेशन है वो बोन के एकदम बीच में है, तो वो अगर ट्यूमर ग्रोथ करेगा तो बोन से बाहर कवर है, इसलिए उस बोन को प्रेस कर सकता है वो। तो जब प्रेशर होगा तो या तो बोन में डैमेज होगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। तो पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर ऑप्टिक नर्व होती है, और फिर ब्रेन टिश्यू होता है। तो पिट्यूटरी के जो ट्यूमर होते हैं वो या तो होते हैं फंक्शनल या नॉन फंक्शनल। फंक्शनल वो कि जो ग्रोथ हार्मोन या जो भी हार्मोन सिक्रेशन करने वाली सेल्स है, अगर उनका ट्यूमर हो जाए तो बहुत छोटी सी मात्रा में होगा, तो भी उनके हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाएगा, तो बॉडी में हार्मोन का इम्बेलेंस होगा, और उन हार्मोन से जो जो प्रॉब्लम्स बॉडी में हो सकती है, जो क्रियाएं होती है वो ज़्यादा होगी। तो वो तो अगर छोटा सा होता है, एक सेंटीमीटर से भी छोटा, जिसको हम माइक्रोएडिनोमा बोलते हैं, वो होगा तो भी यहाँ पे लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा होता है कि हार्मोन सिक्रेशन नहीं करने वाला, उनको नॉन फंक्शनल बोलते हैं। जो पिट्यूटरी दूसरी जो सेल्स हैं जो हार्मोन सिक्रेशन नहीं करते, उनके अगर वृद्धि होने लग जाए तो बड़ा साइज होगा ट्यूमर का, तो ट्यूमर की वजह से कंप्रेशन होगा हार्मोन सेल्स का प्लस में ब्रेन में, उसकी वजह से जो सिम्टम है वो आएंगे, उनको मैक्रोएडिनोमा बोलते हैं। पिट्यूटरी के जो ट्यूमर होते हैं वो 99% मेलिग्नेंट नहीं होते हैं, बेनाइन होते हैं, वो दूसरी जगह नहीं फैल पाते, वहीं पे ग्रोथ करते हैं। 1% से भी कम चांस है कि वो मेलिग्नेंट हो, मतलब कैंसर के रूप में डेवलप हो।
तो पिट्यूटरी के जो लक्षण आ रहे हैं या जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसकी साइज बढ़ने से या उसके हार्मोन सिक्रेशन बढ़ने की वजह से आ रहे हैं।